प्रयास किया गया है, तो यहाँ पर खतरे का बादल मंडराता हुआ हुए हैं। मैं बता दूं कि कल भी मुर्गा पाड़ा का आयोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज के मुकाबले कल भी मुर्गा पाड़ा रखा गया है, आप सभी मुर्गा और पाड़ा प्रेमी आमंत्रित रहेंगे। धीरे धीरे गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए साथी खिलाड़ी को गेंद चलाना चाह रहे थे, मगर यहाँ पर गलत पास। बलराम को गेंद मिली है और क्लीन फाउल मुन्ना के द्वारा मौका जरूर मिला यहाँ पर बलराम पात्र के लिए। बहुत ही लाजवाब प्रयास है यहाँ पर, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। और यहाँ पर आप देखें कि बलराम पात्र ने बेहतरीन हेडर के जरिए गेंद को क्लियर किया है, तो लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिल रही है दोनों ही दलों की ओर से। बहुत ही दिल खुश और लुभाने वाला जो प्रयास था, ठीक था, अभी हमें देखने को मिला था। अगर लाइव टेलीकास्ट की सुविधा होती तो शायद इस शॉट को हम बराबर आप सबको दिखाते। घड़ी भी टिक 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 करती हुई अपनी मंजिल की ओर, तो ऐसे में अब थोड़ी सी वही अब जगन्नाथपुर चाहेगी कि किसी तरह से समय बीत जाए और इस वर्ष के विजेता हम बने, क्योंकि 1-0 से आगे चल रही है टीम। दर्शकों से अनुरोध है कि लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मैच में आप इतने डूब जाते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में हम आप सबको सतर्क कर रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रहेंगे, ताकि हमारे असिस्टेंट रेफरी कुछ खिलाड़ी आप सबों पर नजरें टिकाए हुए, क्योंकि व्यक्तिगत पुरस्कार का भी चयन हो रहा है कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाए, उनकी भी चयन हो रही है। और यहाँ पर पूरी तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है सिंहभूम रिटर्न्स की टीम। जर्सी नंबर 11 गलत, और अब मौका हो सकता है। निर्णायक महोदय से बसबाजी ना करेंगे दोनों ही दल। आप लोग एक बेहतर टीम है, अनुशासित टीम के रूप में जाने जाते हैं आप दोनों ही दल के रूप में, मगर उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाए थे, मगर इस मौके में कहीं ना कहीं सफलता नजर आ रही है, मगर देखना पड़ेगा। और इस तरह से खेल जो है आप जो अभी स्कोर हुई है मैच को उसी रंग में लेकर आए हैं। समर्थकों को कुछ पल की खुशी जरूर मिली है, मगर खेल जो है बिल्कुल बराबरी पर है। क्या फिर से अपने अपने समर्थकों को खुशी दे पाएगी दोनों ही दल, चाहे वो जगन्नाथपुर हो या फिर बनकाटी। तमाम ठेक में ना चलो बिचो
जगन्नाथपुर जशन पटाटे विमल सुंदर तरीके से जशन पर आठ के लिए गेंद बढ़ाया है मगर छीनने में सफल रही। यहाँ पर श्री राम सोरेन जी के द्वारा जब अंतिम विशेष बजाया जाएगी गोली में जिस खिलाड़ी के पास गेंद रहेगी वो गेंद उस खिलाड़ी के नाम हो जाएगी। एक आकर्षक पुरस्कार है इस टूर्नामेंट की। देखना है कि कौन से खिलाड़ी होंगे जो इस सुंदर जशन बरात मौका बन सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे पास के साथ जशन पर 11 मुन्ना पाता हुआ मौजूद। बीते कल की अगर बात कही जाए तो दो स्कोर किए हैं मुन्ना पाकर और सर्वाधिक गोल के होड़ में उन्होंने अपने नाम को अंकित किया है। शेष बची हुई इस मैच की समाप्ति के लिए बेहतर प्रयास मगर 9 को मैदान पर भेजा जा रहा है। तपन मुर्मू जैसे नंबर 9 गली हता में गली साइड में गले बोल दे कितना नंबर दो मुन्ना सटो ना सटने सटने मत।